हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी अभी तक की कोडिंग जर्नी अच्छी जा रही है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं प्रोग्रामिंग के, वो आपको आई होप समझ में आ रहे हैं। नहीं एक बार में समझ में आया तो इट्स फाइन, रीविजिट द वीडियोस, कीप वॉचिंग द वीडियोस जब तक कॉन्सेप्ट कोई समझ नहीं आ जाता है। एंड हमने अभी तक जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, लूप्स, इफ एल्स स्टेटमेंट, ऑपरेटर्स डिफरेंट काइंड्स के, ये सब हमने कवर कर लिया। तो ये सब आई होप अभी तक आप लोगों को क्लियर हो चुका है एंड आप कंफर्टेबल हो चुके हो इन टॉपिक से, क्योंकि आगे जाते हुए हमें इन सब की ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ेगी। एंड अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आगे कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। पिछली कुछ क्लासेस में हमने फंक्शंस भी पढ़ा है। फंक्शंस क्या होता है यार, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क कर रहा होता है। और किसी फंक्शन को अगर आपने डिफाइन करना है तो कोड में आप कैसे करते हो, सबसे पहले आप मेंशन करते हो रिटर्न टाइप, जो भी फंक्शन जो कुछ रिटर्न कर रहा है उसका डेटा टाइप, इंटीजर रिटर्न कर रहा है, बूलियन टाइप रिटर्न कर रहा है, कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है, या फिर वॉइड रिटर्न कर रहा है जिसमें वो कुछ रिटर्न नहीं करता। तो सबसे पहले आप रिटर्न टाइप लिखते हो, फिर आप फंक्शन नेम स्पेसिफाई करते हो, और फिर ब्रैकेट्स में आपके पैरामीटर्स आ जाते हैं, राइट। फिर हमारा कर्ली ब्रैकेट्स में हमारा कोड आ जाता है, और लास्ट में हम स्पेसिफाई कर देते हैं जो भी ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है। अगर कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो हम बस रिटर्न स्टेटमेंट लिख देते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम एक फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। हमने ये भी पढ़ा था, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स बताते हैं कि कोई वेरिएबल कहाँ पे एक्सेसिबल है। तो अगर मैं किसी वेरिएबल को अपने फंक्शन के अंदर डिफाइन करी या किसी ब्लॉक ऑफ कोड में डिफाइन करी तो वो सिर्फ वहीं पे एक्सेसिबल रहेगा। अगर मुझे पूरे प्रोग्राम में उसको एक्सेसिबल बनाना है तो मुझे उसको ग्लोबल वेरिएबल बनाना पड़ेगा, राइट। और हमने पढ़ा था कि फंक्शन में जो हम ये पैरामीटर्स पास करते हैं, इनको पास करने के दो तरीके होते हैं, फंक्शन कॉल बाय वैल्यू एंड फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू में हमारी कॉपीज क्रिएट हो रही होती है वेरिएबल्स की, और उसमें हमारी पैरामीटर वैल्यूज जाती हैं। कॉल बाय रेफरेंस में एक्चुअली जो वेरिएबल्स हम पास कर रहे हैं वही पास हो रहे होते हैं टू द फंक्शन। एंड एंड में हमने पढ़ा था कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू क्या होती है। जो हम पैरामीटर्स डिफाइन कर रहे होते हैं अपने फंक्शन में, अगर हमें उनकी कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालनी है तो वो हम डाल सकते हैं। तो उससे फंक्शन को जब हम कॉल कर रहे होंगे तो हमारे हमें सारे पैरामीटर्स की वैल्यू पास नहीं करनी पड़ेगी। तो ये एक शॉर्ट रिकैप था जो भी हमने लास्ट के एक दो क्लासेस में पढ़ा है। अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, और आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज आप करने वाले हो अपना पहला डेटा स्ट्रक्चर जो कि है एरेज, ठीक है। एरेज एक बहुत बेसिक लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है, एंड दिस फॉर्म्स द फाउंडेशन फॉर अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स जो कि हम आगे के क्लासेस में कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं एरेज। आज के लेक्चर में हम एरेज को एंड टू एंड पढ़ेंगे, क्या होते हैं एरेज, उनको कोड में कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, क्या टाइप्स ऑफ एरेज हैं, एंड लास्ट में कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स करेंगे एरेज की ताकि हम उनसे कंफर्टेबल हो जाए। लेकिन दैट वोंट बी ऑल, उसके बाद हम और क्लासेस में और भी क्वेश्चंस करेंगे एरेज पे। मेरे को बच्चों के ऑलरेडी मैसेजेस आ रहे हैं कि दीदी प्लीज़ इस कोर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस करवाना, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। हम आपको इस कोर्स में इतने क्वेश्चंस करवाने वाले हैं कि आप खुद थक जाओगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फाइनली, व्हाट इज एन एरे। एन एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर, it is a data structure which stores a collection of items, a collection of items. अब इसको ऐसे समझो कि suppose मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे एक apples का number जो है वो कहीं store करना है तो उसके लिए मैं एक integer variable बना सकती हूँ, ठीक है। मैं बोल सकती हूँ एक इंटीजर और एप्पल्स वेरिएबल है मेरा इंटीजर डेटा टाइप का, जिसमें मैं कोई इंटीजर वैल्यू जो मेरा नंबर ऑफ एप्पल्स है उसको स्टोर कर सकती हूँ।
अब सपोज मेरे पास 5 टाइप्स ऑफ एप्पल्स हैं, ठीक है, तो मैं अगर मुझे उन सब के नंबर जो है उन सब का काउंट स्टोर करना है, तो या तो मैं कोड में ये कर सकती हूँ कि मैं सबको एप्पल्स 1 एप्पल्स 2 करके और मेरे को 5 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, है ना, इंट एप्पल्स 1, इंट एप्पल्स 2, इंट एप्पल्स 3 एंड सो ऑन, ठीक है, सो ऑन. लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जहाँ पे मैं किसी एक ही स्ट्रक्चर में मल्टीपल आइटम्स स्टोर कर पाऊँ, मतलब कि एक ही स्ट्रक्चर हो और उसमें मैं अपने 5 तरह के जो एप्पल्स हैं उनका काउंट स्टोर कर पाऊँ. तो वहाँ पे हमारा पिक्चर में आता है हमारा डेटा स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं एरेज. एरेज इज यूज्ड टू स्टोर अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स एंड नॉट जस्ट एनी आइटम्स, इट स्टोर्स होमोजीनियस आइटम्स. होमोजीनियस आइटम्स, तो ये होमोजीनियस का मतलब यहाँ पे क्या है? होमोजीनियस का मतलब ये है कि जो भी आप अपने एरे में वैल्यू स्टोर कर रहे हो या आइटम्स स्टोर कर रहे हो, दे आर ऑफ द सेम टाइप. ओके, दे कैन बी इंटीजर, दे कैन बी कैरेक्टर, दे कैन बी बूल, दे कैन बी एनी अदर डेटा टाइप, ठीक है, बट दे ऑल आइटम्स आर ऑफ द सेम टाइप. ठीक है, आप एक एरे में एक कैरेक्टर, एक इंटीजर, एक फ्लोट सब साथ में नहीं स्टोर कर सकते, इट हैज टू बी वन टाइप. सेकेंड चीज जो आपको एरेज के बारे में याद करनी है वो ये है कि एरेज हैव कंटिगुअस मेमोरी, दे हैव कंटिगुअस मेमोरी. अब ये कंटिगुअस मेमोरी का मतलब यहाँ पे क्या है ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में थोड़ी देर बाद बताऊंगी, लेकिन एरे के बारे में आपको ये 2-3 चीज़ें जो हैं ये याद रखनी है. पहला, डेटा स्ट्रक्चर, इट्स अ डेटा स्ट्रक्चर विच स्टोर्स अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस आइटम्स एंड इट इज स्टोर्ड इन कंटिगुअस मेमोरी, ठीक है. अब इस एरे को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? आप एक एरो को रिप्रेजेंट कर सकते हो एज अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी, ठीक है, जहाँ पे अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरा एरे जो है वो 5 साइज का है, मतलब कि मेरे पास 5 आइटम्स हैं जो मुझे अपने एरे में स्टोर करनी है, ठीक है, तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया अपने ब्लॉक को 5 ब्लॉक्स में एंड इन एवरी मेमरी ब्लॉक आई कैन स्टोर एन आइटम, ठीक है. अगर ये मैं बोल रही हूँ दिस इज एन इंटीजर डेटा टाइप का एरे ऑफ साइज 5, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे ये जो 1, 2, 3, 4, 5 हैं, दीज आर माई एलिमेंट्स, दीज आर माई एलिमेंट्स ऑफ द एरे, ठीक है, ऑफ इंटीजर डेटा टाइप. ऑब्वियसली क्योंकि मैंने आपको बोल दिया कि मेरा एरे जो है वो इंटीजर डेटा टाइप का है, तो मैं उसमें सिर्फ इंटीजर्स ही स्टोर कर सकती हूँ. एंड मैंने आपको बोला कि ये 5 साइज का है, मतलब कि 5 आइटम्स हैं इसमें, तो इसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द एरे इज 5, ठीक है. अब यहाँ पे एरेज में जो स्पेशल बात है वो ये है कि आप किसी भी आइटम को एक्सेस कर सकते हो इस एरे में, ठीक है, वो आप कैसे कर सकते हो? यूजिंग इंडेक्स, ठीक है. इंडेक्स क्या है? इंडेक्स हमें बताता है लोकेशन ऑफ एवरी एलिमेंट, लोकेशन ऑफ एवरी एलिमेंट इन एरे. तो मतलब अगर मेरे को कोई भी आइटम जो है इस एरे में एक्सेस करना है, मुझे पता करना है वो कहाँ पर है, तो उसको मैं इंडेक्स के थ्रू कर सकती हूँ, उसके इंडेक्स के थ्रू. अब यहाँ पे जो एरेज होती हैं दीज आर जीरो इंडेक्स. जीरो इंडेक्स का मतलब जो फर्स्ट आइटम है मेरा यहाँ पे 1, इसका इंडेक्स है 0. जो फर्स्ट आइटम है उसका इंडेक्स है 0, जो सेकेंड आइटम है उसका इंडेक्स है 1, जो थर्ड आइटम है उसका इंडेक्स है 2 एंड सो ऑन, ठीक है. तो
अगर मुझे मैं आपसे पूछूं कि इस एरे में थर्ड इंडेक्स पे क्या है, थर्ड आइटम क्या है, तो वो मैं उसके इंडेक्स से पता कर सकती हूँ कि वो फोर्थ, फोर जो है एलिमेंट जो है वो फोर है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम ऐसे जो है एक एरे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसकी लेंथ हमें बतानी होती है एरे की लेंथ क्या है, कितने नंबर ऑफ आइटम्स हम स्टोर करना चाहते हैं, फिर जो हम एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं उनका डेटा टाइप क्या है, ठीक है, और जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम एक्सेस भी कर सकते हैं, उनकी लोकेशन हम पता कर सकते हैं यूजिंग इंडेक्स। फाइनली जो हमारे एरेज होते हैं देज आर जीरो इंडेक्स। तो इसमें बच्चे काफ़ी बार कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि एरे के फर्स्ट एलिमेंट तो वन है तो यहाँ पे इंडेक्स वन क्यों नहीं है, ये इसलिए क्योंकि हमारे एरेज आर जीरो इंडेक्स्ड। अब कोड की बात करते हैं कि कोड में एरे को मैं डिक्लेयर कैसे कर सकती हूँ, तो उसके लिए हमारा तरीका होता है सबसे पहले हम बताते हैं अपना डेटा टाइप। सबसे पहले हम बताएंगे अपने एरे का डेटा टाइप, उसके बाद हमारा जो भी एरे का नेम है, एंड यहाँ पे ब्रैकेट्स में हम बता रहे होंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो भी हमारे एरे का साइज है। मुझे एक एरे बनाना है ऑफ डेटा टाइप इंटीजर ऑफ साइज 5, तो हाउ वुड आई डिक्लेयर इट इन कोड। इंट एरे, मेरा एरे का नाम मैं एरे ही रख रही हूँ यहाँ पे, एंड 5 जो है मेरा एरे का साइज, ठीक है। सो दिस डिक्लेयर्स एन एरे ऑफ डेटा टाइप इंटीजर ऑफ साइज 5। ऑलराइट, अब अगर मुझे इसमें कुछ वैल्यूज डालनी है, मुझे इनिशियलाइज करना है अपने एरे को, तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ, वो आप कर सकते हो यूजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। तो आप कैसे लिखोगे कि इंट एरे इज इक्वल टू, एंड कर्ली ब्रैकेट्स में यू कैन स्पेसिफाई द एलिमेंट्स। अब यहां पे एक चीज नोटिस करो, मैंने यहां पे साइज नहीं दिया एरे का, राइट। तो अगर आप अपने एरे को इनिशियलाइज कर रहे हो तो वहां पे आपको उसका साइज बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने उसको इनिशियलाइज नहीं किया है उसको डिफाइन करते हुए, तो आपको उसका साइज बताना पड़ेगा, वरना इट विल थ्रो एन एरर, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो हाउ यू कैन डिक्लेयर एन एरे एंड इनिशियलाइज इट एज वेल, ठीक है। तो दिस ये जो लाइन है ये हमारा एक एरे क्रिएट कर रहा है मेमोरी में ऑफ इंटीजर डेटा टाइप ऑफ साइज 5, एंड उस फाइव साइज में जो 5 ब्लॉक्स हैं उसमें ये 1, 2, 3, 4, 5 जो है वो एलिमेंट्स स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो एरेज का कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ रहा है, हमारा एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी है जिसमें हम होमोजीनियस आइटम्स स्टोर कर रहे हैं, और उसको हमने देखा है कि हम कोड में कैसे डिफाइन कर सकते हैं और इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि मेमोरी में क्या हो रहा होता है, जब मैं आपको बोल रही हूँ कि मैंने एक एरे जो है इंटीजर डेटा टाइप का 5 साइज का डिक्लेयर कर दिया, तो मेमोरी में उसको कैसे एलोकेट हो रही है। अब मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि ये एक स्पेशल बात है एरेज की, कि जो मेमोरी एलोकेशन होती है दैट इज कंटिगुअस। तो इसका मतलब क्या है ये अब हम समझने वाले हैं, ये आपको अब समझ में आएगा अच्छे से। तो सपोज मैंने एक इंटीजर एरे ऑफ साइज 5 जो है अपने कोड में डिक्लेयर किया, मेमोरी में क्या होगा, एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी जो है मेरे एरे को एलोकेट हो जाएगा, ठीक है, जो कि 5 ब्लॉक्स होंगे, बेसिकली 5 ब्लॉक्स को कंबाइन करके एक ब्लॉक जो है मेरे एरे को मिल रहा होगा, एंड इस एरे के अंदर मेरा जो भी एलिमेंट्स हैं वो स्टोर हो रहे होंगे। लेकिन कंटिगुअस का यहाँ पे क्या मतलब है, कंटिगुअस का मतलब ये है कि अगर ये मेरा एरे है तो जो एलिमेंट 1 है फर्स्ट एलिमेंट और जो सेकंड एलिमेंट है 2, ये साथ साथ में मेमोरी में प्रेजेंट होंगे, मतलब कि दीज आर कंसेक्यूटिव ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी,
कंसेक्यूटिव ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी, यही मतलब है कंटिगुअस का। ठीक है, जो भी मेरे एलिमेंट्स स्टोर हो रहे हैं, जो भी मेरे एलिमेंट्स स्टोर हो रहे हैं एरे में, दे ऑल आर प्रेजेंट एज कंसेक्यूटिव ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी। इसका मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज एट एड्रेस 100 फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा जो सेकेंड एलिमेंट है दैट विल बी प्रेजेंट एट द वेरी नेक्स्ट एड्रेस, एंड वो एड्रेस क्या होगा, वो होगा 104। कैसे? क्योंकि मेरा जो इंटीजर डेटा टाइप है वो होता है 4 bytes, ये हमें पता है। हमारा इंटीजर 4 bytes का होता है, कैरेक्टर 1 byte का होता है, फ्लोट भी 4 bytes का होता है, डबल 8 bytes का होता है, ये हमने कवर कर लिया ऑलरेडी। तो मेरा इंटीजर, क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप का एरे है और इंटीजर जो है 4 bytes का होता है, तो अगर मेरा 1 जो है वो 100 एड्रेस पे है, तो 2 जो है, जो सेकेंड एलिमेंट है मेरे एरे का, दैट विल बी एट द वेरी नेक्स्ट एड्रेस, बट 1 जो है मेरा 4 bytes ले रहा है स्टोर होने के लिए, तो 2 जो है, जो सेकेंड एलिमेंट मैं बोल रही हूँ, दैट विल बी एट 104 एड्रेस। सिमिलरली जो मेरा थर्ड एलिमेंट होगा दैट विल बी एट 108, देन 112, 116, एंड जहां पे मेरा ये एरे खत्म हो रहा होगा वो एड्रेस क्या होगा, 120। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा ये जो एरे है दिस इज टेकिंग 20 bytes ऑफ मेमोरी, 20 bytes ऑफ मेमोरी। एंड ये आप यहां से भी देख सकते हो, कैसे इंटीजर जो है वो 4 bytes है और मेरा साइज जो है वो एरे का 5 है, तो 4 into 5 जो है कितना आ गया, 20 bytes। ठीक है, तो अगर मैं एक एरे डिक्लेयर कर रही हूँ ऑफ इंटीजर डेटा टाइप ऑफ साइज 5, देन इट विल टेक 20 bytes ऑफ मेमोरी, एंड जो ये मेमोरी एलोकेटेड होगी मेरे एरे को, ये चंक्स में एलोकेटेड होगी फॉर एवरी एलिमेंट, एंड दीज चंक्स ऑफ मेमोरी विल बी कॉन्जिक्यूटिव। चंक्स बोलो या ब्लॉक्स बोलो, दीज ब्लॉक्स विल बी कॉन्जिक्यूटिव ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी, एंड दैट इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से दैट द मेमोरी एलोकेशन इन एरेज इज कंटिगुअस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मेमोरी एलोकेशन का फंडा समझ में आ गया है एरेज में। अगर मैं आपको बोलूँ कि मैंने एक एरे बनाया ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप, कैरेक्टर एंड जिसमें मैं अपने अल्फाबेट्स स्टोर कर रही हूँ ऑफ साइज 26, तो यहाँ पे मेरा कितना मेमोरी एलोकेट हो रहा होगा, कैरेक्टर जो है वो हमें पता है 1 byte, एंड दिस इज साइज 26, तो 1 into 26 मेरा 26 bytes जो है वो इस एरे को मेमोरी में एलोकेट हो रहा होगा। ठीक है, आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब एरेस के 2 type होते हैं, सिंगल डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, अभी तक जो भी हमने बात करी है वो हमने बात की है सिंगल डायमेंशनल एरेस की, तो सिंगल डायमेंशनल या फिर 1 dimensional भी बोल सकते हो, तुम्हें समझ में आ रहा है नाम से ही, इट हैज 1 dimension, जो मेरे एलिमेंट्स हैं एरे में दोज हैव 1 dimension। ठीक है, लेकिन मल्टी डायमेंशनल क्या एरेज होते हैं, जहाँ पे एवरी एलिमेंट ऑफ द एरे विल हैव डायमेंशन 2 or more than 2। ठीक है, तो अगर मेरे को मल्टी डायमेंशनल एरे की बात करनी है, मैं एग्जांपल दूँ आपको 2 dimensional एरे की। ठीक है, 2 dimensional एरे इज अ मल्टी डायमेंशनल एरे, तो उसका एग्जांपल मैं अगर आपको दूँ तो वो कुछ ऐसे मैं रिप्रेजेंट कर रही होंगी इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। सो दिस इज अ 2 dimensional एरे, जहां पर मेरा जो साइज होगा एरे का वो क्या होगा, 4 by 4। ठीक है, 4 by 4 जो है मेरे एरे का यहाँ पे साइज है। सिमिलरली देर कैन बी 3 dimensional एरे, 4 dimensional एरे एंड सो ऑन, ये सब मल्टी डायमेंशनल एरे में आता है। मल्टी डायमेंशनल एरेज को हम अलग लेक्चर में काफ़ी
डिटेल में एंड उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही होंगे, लेकिन आज हम फोकस करने वाले हैं वन डायमेंशनल एरे पे. ठीक है, तो वन डायमेंशनल एरे पे मैं आपको बताना चाहूँगी, अब कि कोई भी एलिमेंट मैंने आपको बताया था, अगर एक्सेस करना हो मैं किस अपने एरे में जो आइटम्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनमें से किसी को भी मैं एक्सेस कर सकती हूँ, तो वो कैसे कर सकती हूँ? मैंने आपको बताया था उसके इंडेक्स के थ्रू, राइट? मेरा अगर ये एक एरे है तो मेरा एरे जो है वो जीरो इंडेक्स होता है. इसका मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट विल बी एट इंडेक्स जीरो, सेकेंड एलिमेंट विल बी एट इंडेक्स वन, एंड जो भी मेरा लास्ट एलिमेंट होगा दैट विल बी, उसका इंडेक्स क्या होगा? मेरा इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट क्या होगा? जो भी मेरा साइज है ऑफ द एरे, माइनस वन, राइट? बिकॉज जीरो इंडेक्स है, तो यहाँ पे जैसे फाइव साइज का एरे है तो लास्ट एलिमेंट इज एट इंडेक्स फोर. ठीक है, तो अगर मुझे अब कोई भी कोड में मुझे एक्सेस, मैंने एक एरे बना दिया, ठीक है, इंट एरे, और मैंने उसमें जो है इनिशियलाइज कर दिया उसको 1 to 5 से. अब अगर मुझे इस एरे का एक एक करके एलिमेंट एक्सेस करना है, तो मैं उसको कैसे कर सकती हूँ? मैं एरे ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख सकती हूँ 0. 0 से मुझे मिलेगा 1, ठीक है, क्योंकि 0th एलिमेंट क्या है यहाँ पे? 1 है. एरे ऑफ 1 अगर मैं लिखूँगी तो मुझे मिलेगा 2. एरे 2 पे मुझे मिलेगा 3, एंड सो ऑन. ठीक है, तो एरे जो भी नेम है और ब्रैकेट्स में इंडेक्स, तो इस वे में आप अपने सारे एलिमेंट्स जो हैं एरे के उन्हें एक्सेस कर सकते हो. अब फॉर एग्जांपल मैंने एक एरे बनाया, मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया है उसको, इनिशियलाइज नहीं किया है. अब मुझे इसमें कुछ वैल्यूज डालनी है, तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ? मेरे को अगर फर्स्ट अपने फर्स्ट इंडेक्स पे कुछ डालना है, तो मैं बोलूँगी एरे ऑफ 0 इज इक्वल टू 2. ठीक है, तो मेरा जो एरे है उसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है 0 इंडेक्स पे 2 स्टोर हो जाएगा. ठीक है, एंड सो ऑन. ऐसे जो है आप एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो इन अ सिंगल डायमेंशनल एरे. अगर आपको मल्टी डायमेंशनल एरे में एक्सेस करना है, तो वो हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे जब हम मल्टी डायमेंशनल एरेस कर रहे होंगे. तो अब हमारे पास C++ में कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो कि एरेस पे कर सकते हो आप. वन ऑफ दोज ऑपरेशंस इज फाइंडिंग द साइज ऑफ द एरे. ठीक है, सपोज मैंने अपना एरे जो है वो डिक्लेयर करके इनिशियलाइज कर दिया, एंड सपोज मैंने यहाँ पे इसका साइज नहीं दिया है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर. साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में मैंने बात की थी जब हम ऑपरेटर्स डिस्कस कर रहे थे. सो दिस मैंने आपको बताया था कि ये जो है हमारा किसी भी वेरिएबल डेटा टाइप का जो साइज होता है मेमोरी में, वो हमें बता देता है. अगर मैं साइज ऑफ सम इंटीजर फाइंड करने की कोशिश करूँगी तो मुझे 4 रिटर्न करेगा, एंड अगर मैं यहाँ पे साइज ऑफ अपना एरे फाइंड करूँ तो वो मुझे क्या दे देगा? वो मुझे दे देगा इस ये जो एरे मेमोरी में जो साइज ले रहा होगा. ठीक है, कितना बाइट्स ऑफ मेमोरी ये ले रहा होगा, अलोकेटेड होगा इस एरे को, वो मुझे रिटर्न कर देगा. तो यहाँ पे ये जो एरे है ये इंटीजर डेटा टाइप का है, एंड यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, तो 4 × 4 जो है 16 बाइट्स यहाँ पे यूज हो रहा होगा, क्योंकि इंटीजर जो है वो 4 बाइट्स का होता है, और 4 इंटीजर्स मतलब कि 4 × 4 16. ठीक है, तो दिस विल रिटर्न मी, अगर मैं साइज ऑफ एरे यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगी तो दिस विल रिटर्न मी 16. ठीक है, अब अगर मुझे लेंथ ऑफ एरे पता करनी है, तो मैं इसको डिवाइड कर सकती हूँ साइज ऑफ जो भी मेरा एरे का एक एलिमेंट है, एरे 0. ठीक है, एरे 0 क्या है? एरे 0 मेरा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे है, तो उसके साइज से मैंने
डिवाइड कर दिया अपने एरे ऑफ साइज को, तो ये मुझे रिटर्न कर देगा 4। तो मुझे पता चल जाएगा ऐसे कि मेरा एरे का लेंथ क्या है। ठीक है, इसको मैं कोड में भी एक बार दिखा देती हूँ आपको। तो सपोज मैंने एक एरे जो है वो अपना डिफाइन कर लिया एंड यहाँ पे मैंने इसको इनिशियलाइज भी कर दिया है। ठीक है, अब अगर मुझे इसका साइज जो है वो पता करना है, पहले हम सिर्फ इसका साइज प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं। तो साइज ऑफ एरे, एंड यहाँ पे हमें ये 16 जो है रिटर्न हो गया, 4 × 4 = 16, ये अभी हमने देखा। अब अगर मुझे लेंथ ऑफ द एरे चाहिए, लेंथ ऑफ द एरे इज कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं मेरे एरे में, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, इसको डिवाइड कर सकती हूँ साइज ऑफ जो भी मेरा कोई भी एक एलिमेंट एरे का। ठीक है, क्योंकि जो मेरा टोटल साइज है ऑफ द एरे दैट वुड बी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इनटू साइज ऑफ वन एलिमेंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, अपने टोटल साइज ऑफ एरे को अपने साइज ऑफ वन एलिमेंट ऑफ एरे से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो दिस शुड रिटर्न मी 4। लेट्स सी, 16 and 4। ठीक है, तो 4 हमारा लेंथ है अपने एरे का, तो वो यहाँ पे रिटर्न हो गया। ठीक है, आई होप ये जो है तुम्हें समझ में आ गया थोड़ा सा आइडिया, एंड साइज ऑफ ऑपरेटर जो है ऐसे हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड द लेंथ ऑफ द एरे इन केस हमने उसको इनिशियलाइज नहीं किया है या इन कोड हमें हमने कहीं पे आगे हमें पता करना है कि जो एरे हमने इनिशियलाइज की थी उसका क्या साइज है, तो उसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे इफ आई ट्राई टू क्रिएट अ एरे एंड आई स्पेसिफाई द साइज ऑफ इट बट आई डोंट इनिशियलाइज द एरे। ठीक है, मैं कोई वैल्यूज उसको इनिशियलाइज नहीं करती हूँ एंड देन आई ट्राई टू प्रिंट द एरे, तो क्या प्रिंट हो रहा होगा ये देख लेते हैं कोड में। तो मैं एक और एरे क्रिएट कर रही हूँ ऑफ साइज 4, लेकिन आई एम नॉट इनिशियलाइजिंग इट हियर। एंड अब अगर मैं इसके एलिमेंट्स को प्रिंट करने की कोशिश करूँ, तो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो होगा 0 इंडेक्स पे, राइट? एंड ऐसे ही मैं बाकी भी जो मेरे एलिमेंट्स होंगे एरे 2 में उनको एक्सेस कर सकती हूँ बाय चेंजिंग द इंडेक्स हियर। ठीक है, तो अब अगर इसको मैं प्रिंट करने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे ये जो है मेरी प्रिंट हो रही है वैल्यूज ऑफ एरे 2 जो मेरे एलिमेंट्स हैं एरे 2 में। तो अब आप कहोगे ये क्या वैल्यूज प्रिंट हो रही है यहाँ पे, दीज आर सम गार्बेज वैल्यूज। ठीक है, तो होता क्या है कि हम जब भी किसी एरे को डिफाइन करते हैं ऑफ सम पर्टिकुलर साइज, हमारे एरे को स्पेस एलोकेट हो जाती है मेमोरी में, लेकिन अगर हम उसको इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो उन मेमोरी लोकेशंस में जो मेरे एरे को एलोकेट हुई है वहाँ पे कुछ गार्बेज वैल्यूज जो है वो प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो आगे जब हम क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे एरेस में, हमेशा अपने एरेस को डिफाइन करते हुए इनिशियलाइज ज़रूर करना। ठीक है, या तो तुम जीरो यूज़र से इनपुट ले रहे हो, ठीक है, कुछ इनपुट दे रहे हो एरे में, वरना अगर तुम कभी और किसी प्री प्रोसेसिंग के लिए या क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एरे डिफाइन करो, तो उसको हमेशा इनिशियलाइज ज़रूर करना, वरना कुछ गार्बेज वैल्यूज़ उसमें प्रेजेंट होगी एरे में और फिर तुम बाद में कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि ये वैल्यू जो है या जो मेरा आंसर है वो इतना वियर्ड क्यों आ रहा है। ठीक है, तो ऑलवेज योर इनिशियलाइज योर एरेस वरना दे विल हैव सम गार्बेज वैल्यूज। तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर मेरे को अपने एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करना है तो आई कैन डू दैट यूजिंग द इंडेक्सिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये स्टेटमेंट बार बार लिखने के जगह, क्योंकि हम सेम स्टेटमेंट बार बार लिख रहे हैं, बस हमारा इंडेक्स चेंज हो रहा है, उसी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, लूप्स यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम वही पढ़ने वाले हैं, ट्रैवर्सिंग थ्रू द एरे।
अब हमने जो है एक एरे को हमने देख लिया कि कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, कैसे उसके एलिमेंट्स को, हर एक एलिमेंट को एरे के, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। हम बात आती है ट्रैवर्सिंग की, ठीक है। या तो आप हर एक एलिमेंट पे जाके लिख के लिए लिख सकते हो, एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 3, एरे ऑफ 4 एंड सो ऑन, या फिर आप एक फॉर लूप लगा सकते हो, ठीक है, जिसमें मैं एरे ऑफ आई कर दूंगी और आई जो है वो मेरा 0 से मेरा जो भी एरे ऑफ साइज है वहां तक ट्रैवर्स करेगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ऑब्वियसली हम लूप्स यूज करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है हमारा एरे से 5 साइज का, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम लूप्स यहाँ पे यूज कर रहे होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फॉर लूप देखते हैं कि कैसे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सपोज मेरे पास यहाँ पे मैंने ये एरे जो है ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, अब मुझे इस एरे का हर एक एलिमेंट जो है वो प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं फॉर लूप कैसे यूज कर सकती हूँ, सबसे पहले मैं इनिशियलाइज कर दूंगी आई को, जो कि मेरे हर एक एलिमेंट को जाके एक्सेस कर रहा होगा। बेसिकली आई यहाँ पे क्या है, इंडेक्स, ठीक है, मेरा इंडेक्स जो है एरे का, जो कि 0 से लेके साइज ऑफ द एरे -1 तक जाएगा, उसको मैंने एक, उसके लिए एक वेरिएबल बना लिया है इंडेक्स के लिए, जो कि मैंने उसको बोला है आई, या फिर इसको हम आई डी एक्स ही बोल देते हैं, ठीक है। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो है इंडेक्स ऑफ द एरे को यहाँ पे डिपिक कर रहा है, ठीक है। तो इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होगा, बिकॉज हमारी एरे जो है वो 0 बेस्ड है, एंड ये कहाँ तक चलेगा, लेस देन इक्वल टू, या मैं लेस देन लिख देती हूँ जो भी मेरा साइज ऑफ द एरे है, ठीक है। तो साइज ऑफ द एरे को मैं यहाँ पे स्टोर कर लेती हूँ एक वेरिएबल में, इंट साइज इज इक्वल टू ये जो हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया था, ठीक है, इसको हम यहाँ पे कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। तो साइज जो है हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया है, और ये जो हमारा इंडेक्स वेरिएबल है ये कहाँ से कहाँ तक ट्रैवर्स करेगा, 0 से लेके n-1 तक, तो ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसलिए लेस देन इक्वल टू यूज, लेस देन इक्वल टू नहीं यूज किया, सिर्फ लेस देन साइन यूज किया है, ताकि वो साइज तक ना पहुंचे, ठीक है। अगर साइज मेरा 4 है तो वो सिर्फ 3 तक जाएगा, 4 पे आके हमारा लूप जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। एंड इंडेक्स प्लस प्लस, ठीक है, फॉर लूप, आई होप आप लोगों ने समझ लिया था। तो उसी को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, बस ये बात है कि हमें कहाँ से कहाँ तक उसको ट्रैवर्स करवाना है। एंड प्रिंट करवाने के लिए हर एक एलिमेंट को हम प्रिंट कर सकते हैं सीआउट एरे ऑफ हमारा आई डी एक्स, जो कि है इंडेक्स, ठीक है। सो दिस विल यहाँ पे, ठीक है, सो दिस विल प्रिंट ऑल ऑफ द एलिमेंट्स, एंड वी कैन ट्राई दिस एज वेल, लेट्स रन दिस। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 जो है सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। ये तो हमारा हो गया फॉर लूप। अब हमें लेट्स सी सम ऑफ द अदर लूप्स दैट वी कैन यूज हियर फॉर ट्रैवर्सिंग द एरे। वन सच लूप इज फॉर ईच। इस लूप के बारे में हमने पहले बात नहीं कर रखी है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ फॉर ईच लूप में क्या होता है। फॉर ईच लूप में आप फॉर के अंदर आप डिफाइन करते हो एक वेरिएबल, ठीक है, तो उसके लिए डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल एंड जो भी मेरा वेरिएबल नेम है, एंड कोलन जो भी मेरा एरे है जिसको ट्रैवर्स करना है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये जो वेरिएबल है दिस विल नॉट बी द इंडेक्स बट दिस विल बी द एलिमेंट, ठीक है। जो भी मेरा एरे में अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो हर एक एलिमेंट को ये ट्रैवर्स करेगा ये वाला वेरिएबल, ठीक है, इन एवरी आइट्रेशन ऑफ द फॉर ईच लूप। लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स इन कोड फॉर ईच लूप। तो यहाँ पे फॉर के अंदर सबसे पहले मैं इंटीजर, क्योंकि मेरा डेटा टाइप
एरे का इंटीजर है, तो मैं यहाँ पे इंटीजर लिख रही होंगी एंड यहाँ पे इंडेक्स नहीं है बल्कि एलिमेंट है, ठीक है। हर एक एलिमेंट को मैं यहाँ पे ट्रैवर्स कर रही हूँ, तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम मैंने एलिमेंट रख दिया है और मेरा एरे का नाम जो है वो है एरे। तो यहाँ पे अब मैं प्रिंट कर रही होंगी एलिमेंट एंड दिस विल प्रिंट माय एवरी एलिमेंट ऑफ द एरे। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि कहाँ पे तुम इंडेक्स यूज़ कर रहे हो और कहाँ पे एक्चुअली जो एलिमेंट है वो यूज़ कर रहे हो। अब फॉर ईच लूप का एक लिमिटेशन ये होता है कि यहाँ पे दिस विल ट्रैवर्स थ्रू एवरी एलिमेंट ऑफ द एरे, ठीक है। अब ये वाला जो फॉर लूप था हमारा, यहाँ पे हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी थी कि हम डिफाइन कर सकते कि हमारे लूप को कहाँ से कहाँ तक ट्रैवर्स करो। सपोज़ मुझे सिर्फ फर्स्ट टू एलिमेंट्स चाहिए अपने एरे के, तो मैं यहाँ पे फॉर लूप में मेरे इंडेक्स को ज़ीरो से लेकर टू तक ट्रैवर्स करवा सकती थी, तो वो ज़ीरोथ और फर्स्ट जो मेरा एलिमेंट है उसको प्रिंट कर देता। लेकिन ये जो फॉर ईच लूप है, यहाँ पे फॉर ईच एलिमेंट जो है ये लूप चलता है और उस पर ट्रैवर्स करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करवा के देखती हूँ, तो यहाँ पे अगेन मेरे पास दो बारी जो है ये 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और हमारा एक और लूप जो होता है वो होता है वाई लूप। इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रैवर्सिंग एन एरे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इंडेक्स जो है वो अपना डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स को से हम हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर रहे होंगे। तो इंट इंडेक्स एंड वाइल जब तक हम कर सकते हैं, अपने इंडेक्स को चला सकते हैं जब तक वो हमारे साइज से लेस देन है। एंड इस लूप के अंदर हम प्रिंट कर रहे होंगे एरे ऑफ जो हमारा इंडेक्स है, एंड हमें इंडेक्स को हर बारी प्लस प्लस भी करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि लूप आगे बढ़े। तो इसको भी हम प्रिंट करा के देख लेते हैं। लेट मी कॉमेंट दिस आउट, ठीक है, ताकि वो तीन बारी प्रिंट ना हो। लेट्स रन दिस, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास दोबारा एरे जो है वो ट्रैवर्स हो गया है, ठीक है। तो हमने तीन लूप्स के थ्रू अपने एरे को ट्रैवर्स कैसे कर सकते हैं वो हमने देख लिया है। नेक्स्ट जो है हम बढ़ेंगे कि एरे में इनपुट कैसे ले सकते हैं, ठीक है। हमने प्रिंट तो करा के देख लिया, अब बात आती है इनपुट लेने। इनपुट लेने के लिए अगेन हम लूप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सबको मैं जो है कमेंट आउट कर देती हूँ। एंड अब सबसे पहले फॉर लूप देखते हैं। फॉर लूप के अंदर मैं इसको कैसे जो है अपने एरे, किसी भी एरे को के एलिमेंट्स को इनपुट ले सकती हूँ, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे अपना एरे जो है डिफाइन करना पड़ेगा, तभी मैं उसके हर एक एलिमेंट को इनपुट ले पाऊँगी। अलग टाइप का एरे बनाते हैं, कैरेक्टर डेटा टाइप का, कैरेक्टर वोवल्स मेरे एरे का नाम एंड इसका साइज जो है मैं 5 जो है इनिशियलाइज कर रही हूँ, ठीक है। अब इस एरे में मेरे को इनपुट लेना है ए ई आई ओ यू यूज़र से, तो उसके लिए मैं फॉर लूप यूज़ कर सकती हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मुझे इंडेक्स जो है ज़ीरो से कहाँ तक रन करना पड़ेगा, लेस देन 5 तक। मुझे पता है मेरे एरे का साइज़ जो है वो 5 है एंड अपने फॉर लूप के अंदर मैं इंडेक्स का ही यूज़ करके हर एक एलिमेंट को इनपुट ले सकती हूँ। कैसे, वोवल्स ऑफ इंडेक्स। तो ऐसे ही मेरा पूरा जो एरे है वोवल्स कैरेक्टर डेटा टाइप का, उसको मैं एक्सेस कर पाऊंगी। अब यहाँ पे ये मैं कंफ्यूज हो जाना कि यहाँ पे ये इंडेक्स इंटीजर है और मेरा जो एरे है वो कैरेक्टर डेटा टाइप का है, दोनों चीज़ें अलग हैं। मेरा इंडेक्स जो होगा वो हमेशा इंटीजर डेटा टाइप का ही होगा, क्योंकि जो इंडेक्स है वो तो ऑब्वियसली हमें वही बता रहे हैं ना कि हमारी पोजीशन क्या है हर एक एलिमेंट की। तो जीरो से लेकर साइज ऑफ एरे -1 तक ही होगी हमेशा, लेकिन मेरा जो डेटा टाइप ऑफ एरे है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम एक बारी ट्राई करते हैं एंड
इसके बाद हम इसको प्रिंट भी करवा लेते हैं, तो उसके लिए हम वी कैन यूज़ अ सिमिलर फॉर लूप जहाँ पे हम सिंथ की जगह हम से आउट करवाएंगे एंड स्पेस. ठीक है, सो लेट्स ट्राई दिस. तो यहाँ पे मैं ए ई आई ओ यू मैंने इनपुट दे दिया एंड देन उसने हमारे कोड ने हमारे जो एरे जो हमने कैरेक्टर डेटा टाइप का उसको मैं प्रिंट करके दे दिया. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी टुक इनपुट यूजिंग फॉर लूप. लेट्स नाउ सी फॉर ईच लूप से कैसे इनपुट ले सकते हैं. फॉर ईच में हम सबसे पहले अगेन डेटा टाइप जो है वो बताएंगे, और डेटा टाइप यहाँ पे इंडेक्स का नहीं एलिमेंट का होगा. ठीक है, क्योंकि हम हर एक एलिमेंट ऑफ द एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो एलिमेंट का डेटा टाइप हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा. एंड यहाँ पे हर एक एलिमेंट का डेटा टाइप क्या होगा, कैरेक्टर होगा, क्योंकि हमारा एरे जो है वो कैरेक्टर डेटा टाइप का है, राइट. तो हम लिखेंगे कैरेक्टर एलिमेंट इन वोवल्स, एंड हमें क्या करना है, हमें एलिमेंट को इनपुट लेना है यूजर से. लेकिन ये जो है अभी मेरे गलत कोड है, क्यों? तो अब इसको ऐसे समझो, एंड इसको हम एक्चुअली यहाँ पे प्रिंट भी करा के देख ही लेते हैं. मैंने अभी यहाँ पे फॉर ईच लूप लिखा है, एंड मैं बोल रही हूँ कि जो हम वैल्यू जो है वो इनपुट दे रहे होंगे यहाँ पे, वो एक्चुअली हमारे वोवल्स एरे में स्टोर नहीं हो रही होंगी. ठीक है, तो मैंने रन किया कोड एंड मैंने अपने वोवल्स दिए एज इनपुट ए ई आई ओ यू. अब यहाँ पे कुछ नहीं प्रिंट हो रहा है. ठीक है, एंड ये एक्चुअली प्रिंट कर रहा है ये. ठीक है, ये जो स्पेस प्रिंट हो रही है यहाँ पे, ये प्रिंट हो रही है, लेकिन हमारा जो वोवल्स एरे है उसमें हमारी जो हमने ए ई आई ओ यू इनपुट दिया है वो स्टोर नहीं हो रही है. ठीक है, वो क्यों नहीं हो रही है उसके लिए यहाँ पे समझो. फॉर ईच लूप में क्या होता है कि अगर ये मेरा वोवल्स एरे है तो, और मैं लिख रही हूँ कैरेक्टर एलिमेंट, ये मेरा फॉर लूप के अंदर, फॉर ईच लूप के अंदर कैरेक्टर एलिमेंट वोवल्स, तो क्या हो रहा है कि एक नया एलिमेंट बन रहा है इस लूप के अंदर जिसका नाम है एलिमेंट. एंड इन एवरी ट्रैवर्सल ऑफ दिस फॉर ईच लूप मेरी जो वोवल एरे का हर एक एलिमेंट है वो उसकी वैल्यू जो है वो कॉपी हो रही है मेरे एलिमेंट वेरिएबल में. मतलब कि अगर मेरे वोवल्स एरे में, मेरे वोवल्स एरे में ये वैल्यूज प्रेजेंट है ए ई आई ओ यू, तो इन एवरी ट्रैवर्सल ये ए वैल्यू जो है यहाँ पे कॉपी हो जाती है मेरे एलिमेंट वेरिएबल में. फिर मैं एलिमेंट वेरिएबल को जब प्रिंट करती हूँ तो मेरा ए प्रिंट हो जाता है. सिमिलरली नेक्स्ट ट्रैवर्सल ऑफ दिस फॉर ईच लूप मेरा यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, आई वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, और फिर जब मैं एलिमेंट वेरिएबल को प्रिंट करूँगी तो मेरा आई प्रिंट हो जाएगा. नेक्स्ट आइट्रेशन में मेरा यहाँ पे ई आ जाएगा, ई प्रिंट हो जाएगा, एंड सो ऑन. ठीक है, तो यहाँ पे जब हम फॉर ईच लूप यूज कर रहे थे टू प्रिंट द एरे वैल्यूज तो ये वहाँ पे फंडा हो रहा था. ठीक है, हमारे एरे की हर एक वैल्यू जो है वो एलिमेंट वेरिएबल में कॉपी हो रही थी और फिर वो जो है हम प्रिंट कर रहे थे. अब अगर मैं आउटपुट की जगह मैं इसको इनपुट के लिए यूज करूँ, मतलब कि मैं यहाँ पे एलिमेंट में वैल्यूज लूँ एलिमेंट वेरिएबल में, एंड मेरा ये जो वोवल्स वाला एरे है अभी ये खाली है, तो अब क्या हो रहा होगा, अब ये हो रहा है कि हम एलिमेंट वेरिएबल में वैल्यूज जो इनपुट ले रहे हैं वो स्टोर कर रहे हैं. मतलब कि जो मेरा ए ई आई ओ यू मैं इनपुट दे रही थी वो एलिमेंट वेरिएबल में स्टोर हो रही थी, लेकिन ये एलिमेंट वेरिएबल लाइज एट अ डिफरेंट मेमरी लोकेशन देन माई वोवल्स एरे. ठीक है, तो ये जो है एलिमेंट वेरिएबल यहाँ पे मेरी ए ई आई जो भी मैंने इनपुट दिया वो सब स्टोर हो रहा है, लेकिन मेरा वोवल्स जो आ रहे हैं
वो खाली का खाली रह रहा है, वहां पे कोई वैल्यूज स्टोर नहीं हो रही है, ठीक है। अब अगर मुझे अपने वोवल्स एरे में एक्चुअली वैल्यू स्टोर करनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यूज करना पड़ेगा एम्परसेंड ऑपरेटर। एंड एम्परसेंड ऑपरेटर के बारे में मैंने आपको बताया था पहले, जब हम पास बाय रेफरेंस पढ़ रहे थे तो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया था कि एम्परसेंड ऑपरेटर जो है वो कैसे हम यूज करते हैं। तो अगर वो नहीं पता है कॉन्सेप्ट तो वो वीडियो जो है दोबारा जाके देखो वाला क्लिप। एंड यहाँ पर मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ कि एम्परसेंड ऑपरेटर जो होता है वो हमें इनेबल करता है टू हैव एलियस नेम्स फॉर द सेम मेमरी लोकेशन। मतलब कि मेमरी लोकेशन यही रहेगी लेकिन इसको हम एक और नाम दे रहे हैं एलिमेंट, मीनिंग कि हमारा एलिमेंट नाम का एक नया वेरिएबल नहीं बन रहा होगा, बल्कि एलिमेंट जो वेरिएबल है दैट विल बी रेफरेंसिंग टू द सेम मेमोरी लोकेशन एज जो मेरे वोवल्स एरे के एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैं फर्स्ट आइट्रेशन ऑफ लूप में हूँ, इन माई फर्स्ट आइट्रेशन ऑफ लूप मेरा वोवल्स एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है एट जीरो इंडेक्स एंड मेरा जो एलिमेंट वेरिएबल है दे आर रेफरेंसिंग द सेम मेमोरी लोकेशन। तो अब अगर मैं एलिमेंट वेरिएबल में अपनी वैल्यू को स्टोर करती हूँ तो इट विल एक्चुअली गेट स्टोर्ड एट दिस मेमोरी लोकेशन विच इज वोवल्स ऑफ जीरो विच इज द फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे ए वैल्यू स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट आइट्रेशन ऑफ माई फॉर ईच लूप मेरा ये जो एलिमेंट वेरिएबल है और जो यहाँ पर वोवल्स ऑफ वन मतलब कि जो मेरा सेकेंड एलिमेंट है मेरे वोवल्स एरे का, इन ये दोनों जो है वेरिएबल्स सेम मेमोरी लोकेशन को रेफरेंस कर रहे होंगे यहाँ पर। एंड यहाँ पर जब मैं ई इनपुट करूँगी तो एंड एलिमेंट में स्टोर करूँगी तो इस मेमोरी लोकेशन में मेरा ई जो है वो स्टोर हो जाएगा एंड सो ऑन, मेरा जो भी इनपुट है वो वोवल्स एरे में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हमें एम्परसेंड ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है एम्परसेंड का तो प्लीज़ एक बार ही पास बाय रेफरेंस वाली जाके वीडियो दोबारा देख लो, समझ में आ जाएगा पूरा एंड टू एंड, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं कोड में भी करके देख लेती हूँ। तो हम यहाँ पे एलिमेंट की जगह जो है एम्परसेंड एलिमेंट लिख रहे हैं, ठीक है। एंड इसको अगर मैं रन करूँ दोबारा स्टॉप करके अरे ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो अब जो है हमारा ए ई आई ओ यू प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब जो है आगे बढ़ते हैं एंड कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करते हैं एरे से रिलेटेड। यहाँ पे आपको समझ में आ गया है कि लूप्स कैसे यूज करना है। मोस्टली हम फॉर लूप ही यूज कर रहे होंगे अपने एरेज में, क्योंकि इंडेक्स हमें वहाँ पे पता होगा, हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि हमें कौन सा इंडेक्स जो है अपने कौन से एलिमेंट्स जो है वो एरे के ट्रैवर्स करना चाहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारे एरेज पे जो कि है कैलकुलेट द सम ऑफ All elements in the given array, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक array define कर देती हूँ, ठीक है, of और इसमें मैं कुछ random जो है elements डाल देती हूँ। These are not random वैसे, but okay, ठीक है, 4 elements मैंने डाल दिए। अब इसका जो है मुझे sum निकालना, सारे elements का sum निकालना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले सम स्टोर करने के लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, उसको इनिशियलाइज कर देते हैं जीरो से। एंड देन अगेन हम फॉर लूप यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें हर एक एलिमेंट को ऐड करना है अपने सम वाले वेरिएबल में, सम में ऐड करना है हर एक एलिमेंट को। तो वो हम फॉर लूप यूज कर सकते हैं ताकि हम हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर पाएं। तो हमारा फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, जीरो से लेकर मेरा जो भी साइज ऑफ द एरे है, ठीक है। साइज ऑफ एरे कैसे निकालना है ये भी मैंने आपको समझा दिया है। तो इंट साइज इज इक्वल टू साइज ऑफ जो भी हमारा एरे है डिवाइडेड बाय साइज ऑफ जो कोई भी एक एलिमेंट ऑफ द एरे, ठीक है। तो आई जो है मेरा इंडेक्स जो है वो जीरो से लेके साइज तक चलेगा एंड प्लस प्लस। सो आई से
आई जो मेरे यहाँ पे इंडेक्स है उससे मैं हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स कर पाऊंगी अपने एलिमेंट को, और मुझे क्या करना है, सम में ऐड कर देना है एवरी एलिमेंट. तो एट दी एंड आई विल हैव द सम ऑफ ऑल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ माय एरे, एंड इन दिस केस इट शुड कम आउट टू बी 7 + 18 + 10 = 28. या सो या वी आर गेटिंग 28. Right, so we found the sum of all the elements of the array. Let's move forward to the next question. What does this say? This says find the maximum value out of all the elements in the array. So हमें अगेन एक एरे दिया रखा होगा, उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, एंड उन एलिमेंट्स में से जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसका हमें, वो हमें पता करना है. अब ये हमारे कैसे हमें पता चल सकता है, सपोज मेरे पास एक एरे है और मैंने इसमें कुछ एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है. अब मुझे मैक्सिमम, ऐसे तो मुझे देख के तो पता चल रहा है कि ठीक है 18 जो है मेरा मैक्सिमम एलिमेंट है, लेकिन कोड में जब मैं इसको ट्रैवर्स कर रही हूँ एरे को, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट मैक्सिमम है. उसके लिए मुझे कंपेयर करना पड़ेगा हर एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से, तो मैं पता लगा सकती हूँ कि कौन सा मैक्सिमम एलिमेंट है. मैंने एक वेरिएबल बना लिया मैक्स, और उसमें मैंने स्टोर कर दिया अपना फर्स्ट एलिमेंट जो कि है 3. अब इस 3 को मैंने नेक्स्ट एलिमेंट 7 से कंपेयर किया, क्या 7 3 से बड़ा है? हाँ, तो मैंने अपने मैक्स एलिमेंट को अपडेट कर दिया टू 7. नाउ इन द नेक्स्ट आइट्रेशन जब मेरे पास 18 आया, तो मैं 18 से कंपेयर कर सकती हूँ अपने मैक्स एलिमेंट को, अगेन दिस इज मोर, तो मैंने अपने मैक्स एलिमेंट को अपडेट कर दिया, एंड आगे मेरे को कहीं नहीं मिलेगा 18 से ज़्यादा बड़ा, तो मेरे पास मैक्स एलिमेंट में, मैक्स वेरिएबल में 18 आ जाएगा, एंड दैट वुड बी माय आंसर, राइट. तो एट एवरी आइट्रेशन वील कीप चेकिंग अगेंस्ट जो भी अभी तक का हमारा मैक्सिमम एलिमेंट है, अगर वो उससे ज़्यादा होगा तो हम मैक्स को अपडेट कर देंगे, वरना हम नेक्स्ट एलिमेंट में बढ़ जाएंगे, ठीक है. तो इसके लिए अगर आपको ये समझ में आ गया है क्वेश्चन कैसे करना है, तो अगेन वीडियो पॉज करो और खुद जाके इस क्वेश्चन को ट्राई करो, एंड वापस आकर सॉल्यूशन चेक करना. नहीं आया समझ, इट्स फाइन, लेट्स डू दिस टुगेदर. तो सबसे पहले एक एरे जो है मैं यहाँ पे डिफाइन कर देती हूँ और इनिशियलाइज कर देती हूँ, एंड लेट्स टेक दीज वैल्यूज जो यहाँ पे हमने ली है, 9 and 11, ठीक है. अब मैक्स वेरिएबल, मैक्स एलिमेंट को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट मैक्स, ठीक है, और इसको आप 0 से भी इनिशियलाइज कर सकते हो, या फिर आप एरे के फर्स्ट एलिमेंट से भी इनिशियलाइज कर सकते हो. 0 से मैं इनिशियलाइज करने के लिए इससे नहीं बोल रही, क्योंकि अगर सपोज ये सारे मेरे जो एलिमेंट्स हैं ये नेगेटिव है, ठीक है, तो मेरा मैक्स एलिमेंट जो है वो 0 ही आ जाएगा, क्योंकि वो सब जो है मेरे मैक्स से 0 से कम होंगे, राइट. तो बेटर कि हम मैक्स वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दें अपने एरे के फर्स्ट एलिमेंट से, ठीक है. तो व्हाट वुड बी द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, एरे ऑफ 0, राइट. एंड देन वी कैन रन अ लूप, आई 0 से भी हम ले सकते हैं, या फिर 0 को हमने ऑलरेडी स्टोर कर लिया है मैक्स में, तो वी कैन ऑल्सो स्टार्ट दिस लूप फ्रॉम 1, एंड यहाँ पे साइज है 5 i++. नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू चेक अगर मेरा जो करंट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, इज इट मोर देन व्हाट आई हैव स्टोर्ड इन द मैक्स वेरिएबल, ठीक है, जो मैक्स अभी तक का एलिमेंट है. तो उसके लिए मैं इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कर सकती हूँ. इफ माय करंट एलिमेंट एरे ऑफ आई इज मोर देन माय मैक्स, ठीक है, तो मतलब कि मुझे एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो कि मैक्स से ज्यादा है, तो मैं मैक्स को अपडेट कर देती हूँ, राइट. एंड अगर
ऐसा नहीं है, अगर मैक्स ज़्यादा है करंट एलिमेंट से तो आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आई विल जस्ट गो टू द नेक्स्ट एलिमेंट एंड एट द एंड ऑफ दिस फॉर लूप आई विल हैव माय आंसर. सो लेट्स प्रिंट दिस. सो यहाँ पे मेरा रिजल्ट जो है वो 18 आ गया है मेरे पास, राइट. सो 18 ही था हमारा यहाँ पे मैक्स एलिमेंट. तो अगेन व्हाट वी हैव डन हियर इज, हमने एक वेरिएबल बना लिया मैक्स करके और उसमें हम स्टोर कर रहे हैं अभी तक का जो भी हमें मैक्स मिला है, ठीक है. हम हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स कर रहे हैं एंड वी आर चेकिंग, अगर वो मैक्स से ज़्यादा है तो हम मैक्स को अपडेट कर रहे हैं, वरना वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है. तो आई होप ये क्वेश्चन हो गया है. लास्ट क्वेश्चन आज के लिए वो है लीनियर सर्च. लीनियर सर्च जो है एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है एंड काफ़ी कॉमन है, हम इवन रियल लाइफ में इस चीज़ को काफ़ी बारी यूज़ कर रहे होते हैं. तो लीनियर सर्च क्या है कि बेसिकली आपको एक एरे दे रखा है और आपको उसमें एक एलिमेंट जो है वो फाइंड करना है. तो ये हमारे रियल लाइफ में भी बहुत एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, जहाँ पे हमें कुछ कलेक्शन ऑफ आइटम्स दे रखा है, उसमें से हमें अपने किसी एक आइटम को सर्च करना है. अब एरेज में उस चीज़ को कैसे कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देख रहे होंगे और इसी क्वेश्चन को, इसी कॉन्सेप्ट को हम लीनियर सर्च बोल रहे होते हैं, ठीक है. तो सपोज आपको एक एरे दे रखा है 3, 9, 18, 11 कॉर एलिमेंट ले लेते हैं एंड यू हैव टू फाइंड 11 इफ इट एग्जिस्ट इन दिस एरे एंड इफ इट डजेंट एग्जिस्ट देन यू हैव टू रिटर्न -1, ठीक है. अब यहाँ पे शुरू से एंड आई विल ट्रैवर्स एवरी एलिमेंट, एंड आई विल चेक इफ इट इज इक्वल टू वॉट आई एम फाइंडिंग. If it is equal to what I am finding at any step, मेरे को एक ऐसा element मिल जाता है which matches what I am looking for, then मतलब कि मेरे को वो element जो है वो मिल गया है. And मैं अपना अगर index से traverse कर रही हूँ loop को, तो मैं उस index को return कर सकती हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा 11 जो है वो किस location पे actually present है, ठीक है. And अब ये कैसे पता चलेगा कि मेरा जो एलिमेंट है वो है ही नहीं एरे में. उस केस में क्या होगा, सपोज मैं यहाँ पे मेरा जो की है जो मैं ढूंढ रही हूँ वो 12 है, 12 मैंने यहाँ पे चेक किया नहीं मैच हुआ, यहाँ पे चेक किया नहीं मैच हुआ, नहीं मैच हुआ. अब 7 के बाद मेरा फॉर लूप जो है वो ख़त्म हो जाएगा, राइट. अब फॉर लूप अगर मेरा ख़त्म हो रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मेरा 12 जो है वो प्रेजेंट है ही नहीं मेरे एरे में. इन दैट केस आई विल बी रिटर्निंग -1, ठीक है. तो इसी को हम लीनियर सर्च बोल रहे होते हैं. ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो अगेन अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो जाओ और इसको खुद कोड करने की कोशिश करो, ठीक है, वरना लेट्स डू दिस टुगेदर. सबसे पहले अपना एरे जो है वो हम डिफाइन कर लेते हैं एंड लेट मी टेक यही एलिमेंट्स जो हमने यहाँ पे एग्जांपल में लिए हैं 11 and 7, ठीक है. एंड यहाँ पे जो की जो हम ढूंढ रहे हैं अपने एरे में वो है 11. हमारा जो भी हमें आंसर क्या चाहिए, हमें आंसर चाहिए वो इंडेक्स जहाँ पे हमारा की जो है वो प्रेजेंट है. तो उसके लिए उसको आंसर को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल बना देते हैं जिसको मैं नाम रख रही हूँ आंसर. अब इस आंसर को इनिशियलाइज क्या किया जाए, इस आंसर को हम इनिशियलाइज कर सकते हैं -1. वाई, बिकॉज अगर कहीं पर भी हमें आंसर अपना नहीं मिला, मतलब कि कहीं पे भी हमें अपना एलिमेंट नहीं मिला एंड हमने अपने आंसर वेरिएबल को अपडेट नहीं किया, तो हम उसको एज इट इज़ जो है
प्रिंट कर देंगे एंड इसका मतलब वही होगा कि हमारा एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है आरे में, तो उस केस में हमें माइनस वन ही प्रिंट करना है, राइट? तो इसलिए मैंने अपने आंसर को माइनस वन से इनिशियलाइज कर दिया है एंड यहाँ पे अब हम लूप लगा रहे होंगे जो कि चल रहा होगा जीरो से लेके फाइव तक. यहाँ पे फाइव जो है हमें पता है कि हमारा एरे जो है मैंने खुद डिफाइन किया इसलिए मुझे पता है उसका साइज, ठीक है. लेकिन अगर आपको, आप खुद भी उसका साइज निकाल सकते हो यूजिंग द साइज ऑफ ऑपरेटर, वो आपने देख लिया है. अब यहाँ पे फॉर लूप के अंदर हमें क्या करना है, हमें कंपेयर करना है एवरी एलिमेंट को अपने की से, ठीक है. तो उसके लिए हम इफ स्टेटमेंट जो है यूज कर लेते हैं. इफ हमारा एरे ऑफ आई इक्वल टू की है, इसका मतलब कि अगर ये ट्रू हो जाता है तो इसका मतलब हमें अपना की जो है वो मिल गया है आरे में. और किस लोकेशन पे मिला है? आईएथ लोकेशन पे, आईएथ इंडेक्स पे हमें अपना की मिला है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा आई. एंड इफ हमें कहीं पे भी आई नहीं मिलता है ऐसा जहाँ पे हमारा की प्रेजेंट है, तो ये फॉर लूप जो है ये पूरा ख़त्म हो जाएगा एंड हम लास्ट में हम जो आंसर प्रिंट करेंगे वो क्या प्रिंट हो जाएगा? माइनस वन प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि आंसर की वैल्यू कभी अपडेट हुई ही नहीं, राइट? सो लेट्स रन दिस एंड लीनियर सर्च, ठीक है. तो यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आया है? वो थ्री आया है. तो मेरा 11 का इंडेक्स क्या है यहाँ पे? थ्री है, राइट? बिकॉज दिस इज जीरो इंडेक्स, तो जीरो वन टू थ्री 11 है. एंड सपोज अब मैंने यहाँ पे की जो है वो अपनी 12 कर दी, ऐसी की कर दी जो मेरी एरे में प्रेजेंट ही नहीं है. इन दिस केस व्हाट शुड बी रिटर्न? माइनस वन शुड बी रिटर्न. अब यहाँ पे एक और बात, सपोज मेरी की जो है यहाँ पे 12 की जगह 3 होती, ठीक है. तो 3 होती तो क्या होता कि मेरे पहले ही आइट्रेशन में, फॉर लूप के पहले ही आइट्रेशन में मेरे को अपनी, मेरे को अपना आंसर मिल जाता. मेरे को उसका जो भी टी का जो इंडेक्स है 0, वो मेरा आंसर हो जाता. तो अब उसके बाद मुझे क्या चेक करने की ज़रूरत है? नहीं, ठीक है. तो हमें अगर अपना जहाँ पे भी आंसर मिल रहा है, जहाँ पे हमारा एरे ऑफ आई जो है वो की के इक्वल हो रहा है, तो उसके बाद हमें कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है लूप. एंड उसके लिए हम लूप को वहाँ पे तोड़ने के लिए क्या यूज़ करते हैं वो मैंने आपको बताया था. वी यूज़ अ कीवर्ड कॉल्ड ब्रेक, ठीक है. तो ब्रेक हम यहाँ पे क्या कहाँ लगाएंगे? जब भी हमारा, हमें अपना आंसर मिल जाए उसके बाद मैं लिख दूंगी ब्रेक. एंड ये ब्रेक क्या करेगा? ये जो फॉर लूप है इससे मुझे बाहर ले आएगा जैसे ही ये इफ कंडीशन जो है ये ट्रू हो जाएगी. इससे बस ये होगा कि जहां पे हमारा आंसर मिलेगा वहीं पे हम लूप ब्रेक कर देंगे. वी डोंट हैव टू ट्रैवर्स थ्रू द एंटायर एरे टू गेट द आंसर, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड लीनियर सर्च. हमने आज क्लास में काफ़ी कुछ कवर कर लिया है. हमने देखा कि एरेस क्या होते हैं. दे आर अ डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस आइटम्स एंड हमारी एरेस में मेमोरी एलोकेशन जो होती है वो कंटिगुअस होती है. हमने देखा कि एरेस को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं कोड में, उनका साइज कैसे निकाल सकते हैं एंड हमारे दो टाइप के जो एरेस होते हैं, वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल. आज की क्लास में हमने सिर्फ वन डायमेंशनल एरे पे फोकस किया है एंड वी डिड सम क्वेश्चंस, ठीक है. तो इन क्वेश्चंस को अगर आपने अभी तक खुद कोड नहीं किया है, अभी आपने बस देखा है कि ये कैसे हो रहे हैं, तो अभी जाकर, बिल्कुल वीडियो के ख़त्म होते ही अभी जाकर इनको जाके कोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए एंड होमवर्क में, असाइनमेंट में आपको और क्वेश्चंस मिल रहे होंगे डिस्क्रिप्शन में. सो डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस दोस. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू एंड गुड बाय.